दोस्तों मोटोरोला मोटो G13 और G14 दोनों मोबाइल का प्राइस सेम है, लेकिन G13 में हमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट ज्यादा मिल रहा है, वहीं पे G14 नया लॉन्च हुआ है लेकिन उसमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट कम है, और वहीं पे दोनों में बैटरी भी लगभग सेम मिल रहा है। तो दोनों मोबाइल के अंदर कौन सा मोबाइल आपके लिए बेस्ट होगा, आपको कौन सा मोबाइल अभी लेना चाहिए, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी मोबाइल कौन सा होने वाला है, इसके बारे में आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है और आप ये वीडियो देख के एक परफेक्ट डिसीजन ले पाओगे कि दोनों मोबाइल के अंदर आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हो आनंद टेक वर्ल्ड। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं दोनों मोबाइल में हमें कॉमन क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, मतलब सिमिलर टाइप का फीचर्स दोनों मोबाइल में क्या है। तो सिमिलर फीचर स्पेसिफिकेशन का बात करें तो पहले ही आ जाता है प्राइस में। दोनों मोबाइल का ही 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है 9,999 रुपीज। दोनों मोबाइल में ही हमें मिल रहा है 5000mAh का बैटरी। दोनों फोन में ही हमें 3.5mm हेडफोन पोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों मोबाइल में ही हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फैसिलिटी मिलेगा। मोटो G13 मोबाइल का रियर साइड में हमें मिलेगा 50MP का ट्रिपल कैमरा। प्राइमरी जो लेंस है वह है 50MP का। इसके बाद हमें एक 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। वही पे मोटो G14 मोबाइल का रियर साइड में हमें मिलेगा 50MP का डुअल कैमरा। प्राइमरी जो लेंस है वो 50MP का। उसके बाद हमें एक 2MP का लेंस मिलेगा, मतलब दोनों मोबाइल का रियर कैमरा भी लगभग हमें सेम ही मिल रहा है। कैमरा का नंबर G13 में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको फोटो और वीडियो का क्वालिटी देखना है तो दोनों में ही आपको लगभग आसपास वीडियो और फोटो का क्वालिटी मिल जाएगा। दोनों मोबाइल का फ्रंट में ही आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब फ्रंट कैमरा भी लगभग दोनों मोबाइल में हमें सेम ही मिल रहा है। दोनों फोन में ही हमें एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, मतलब यूजर एक्सपीरियंस भी लगभग हमें दोनों फोन में ही सेम मिलने वाला है। दोनों मोबाइल में ही हमें मिल रहा है LPDDR4X रैम और EFS 2.2 स्टोरेज टाइप। दोनों फोन में ही हमें IP52 स्प्लैश प्रूफ डिजाइन देखने को मिल जाएगा। दोनों मोबाइल में ही हमें डुअल स्पीकर मिलेगा डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के साथ। मतलब दोस्तों अभी तक हम जितना सारा फीचर स्पेसिफिकेशन का बात किए, दोनों फोन में ही हमें सब फीचर स्पेसिफिकेशन एकदम सेम मिल रहा है। अभी हम जान लेते हैं हमें मोटो G13 मोबाइल क्यों खरीदना चाहिए, G14 मोबाइल ना खरीद के, मतलब G13 मोबाइल में हमें क्या अच्छा फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। मोटो G13 मोबाइल में हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 90Hz। वहीं पे मोटो G14 में हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 60Hz, मतलब थोड़ा अच्छा स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा G13 मोबाइल में, मतलब गेम खेलने के टाइम ज्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है G13 मोबाइल में G14 मोबाइल के मुकाबले। मोटो G13 मोबाइल में हमें मिल रहा है मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर, एक 12nm ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2GHz और इसमें हमें माली G52 MC2 GPU मिलेगा। वहीं पे मोटो G14 मोबाइल में हमें मिल रहा है यूनिसॉक T616 प्रोसेसर, एक 12nm ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2GHz और इसमें हमें माली G57 MP1 GPU मिलेगा। तो दोस्तों दोनों मोबाइल का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। मोटो G13 मोबाइल में हीलियो G85 का परफॉर्मेंस यूनिसॉक T616 से जो थोड़ा अच्छा है और उसका लॉन्गजीविटी भी थोड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा प्रोसेसर आपको मिलेगा G13 मोबाइल में G14 मोबाइल के मुकाबले, मतलब अच्छा गेमिंग आप कर पाओगे G13 मोबाइल में, मल्टीटास्किंग भी ज्यादा अच्छा होगा G13 मोबाइल में G14 मोबाइल के मुकाबले। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं मोटो G14 मोबाइल हमें क्यों खरीदना चाहिए G13 मोबाइल ना खरीद के, मतलब G14 मोबाइल में हमें अच्छा क्या फीचर स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। मोटो G14 मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.5 इंच फुल HD+ IPS पंच होल डिस्प्ले। वही पे G13 मोबाइल में हमें मिल रहा है 6.5 इंच HD+ IPS पंच होल डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले का क्वालिटी का तरफ देखा जाए तो मोटो G14 में हमें ज्यादा अच्छा क्वालिटी मिलेगा। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको
ज़्यादा अच्छा मिलेगा मोटो जी 14 मोबाइल में जी 13 मोबाइल के मुकाबले। मोटो जी 14 मोबाइल का वजन है 177 ग्राम और इसका थिकनेस है 7.99 मिलीमीटर, वहीं पे जी 13 मोबाइल का वजन है 183 ग्राम और इसका थिकनेस है 8.19 मिलीमीटर। मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हल्का पतला मोबाइल है मोटो जी 14 मोबाइल जी 13 मोबाइल के मुकाबले। मोटो जी 14 मोबाइल में हमें 20 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पे मोटो जी 13 मोबाइल में हमें 10 वाट रेगुलर चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जल्दी आप चार्ज कर पाओगे जी 14 मोबाइल को जी 13 मोबाइल के मुकाबले। मतलब फास्ट चार्जिंग होने के वजह से थोड़ा ज्यादा एडवांटेज आपको मिल रहा है जी 14 मोबाइल में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस वजह से आपको कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, आपको दोनों मोबाइल के अंदर कौन सा मोबाइल का फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा।